15 साल से विश्वनाथ जी बेलागंज को अपनाए थे, एडॉप्ट किए, और उस 15 साल का उनका कमाई और 35 साल का मेरा कमाई, उसी का ही भीड़ है। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, लगता है उसी तरह से वोट भी आएगा। मेला अलबेला है, वहाँ कोई झमेला नहीं है। झमेला तो पैदा कर रहे हैं ना, आप देखिए नीतीश कुमार जी उतार दिए हैं मनोरमा देवी को, प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं, लोकसभा से इस्तीफा दे दे। कहते हैं लोग कि नीतीश का नेतृत्व है, बीजेपी का संगठन है, चिराग पासवान युवा है, जीतन राम मांझी का इफेक्ट है, कहाँ से जीतेगा आरजेडी? रामविलास पासवान जी हमसे चिराग जी के एक बार बोधिया में सरबजीत बाबू जो मंत्री थे उनके यहाँ मिलवाए भी थे। लड़ाई चुनाव में तो है ना, चुनाव में तो अपने कैंडिडेट के लिए गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे ना? मांगे हम एकदम विरोध भी नहीं करेंगे, हम स्वागत करेंगे। स्वागत कीजिएगा। दिन जो है वो लालू यादव के मरते दम तक रहेगा। चलिए, तो जिन लालू यादव के मरते दम तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। देखिए जबरदस्त भीड़, जबरदस्त उत्साह आप देख सकते हैं। सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, आज इनके बड़े सुपुत्र ने नामांकन किया है। सुरेंद्र यादव जी, जो जिम्मेदारी आपने अपने बेटे को दी है, क्या लगता है किस तरह से जिम्मेदारी निभा पाएंगे, जनता कितना भरोसा कर पाएगी उन पर? एक बात जान लीजिए, ये जो भीड़ देख रहे हैं जी, तो कोई एक दिन की कमाई का भीड़ नहीं है जी। इसमें हमारे कुछ गार्जियन भी हैं जो हर जाति के लोग हैं, और कुछ माता बहन भी है, बेटी भी है, और कुछ नौजवान भी हैं। तो 15 साल से विश्वनाथ जी बेलागंज को अपनाए थे, एडॉप्ट किए, और उस 15 साल का उनका कमाई और 35 साल का मेरा कमाई, उसी का ही भीड़ है। तो भीड़ तो जबरदस्त है, तो जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, लगता है उसी तरह से वोट भी आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, बेलागंज बेला है, बेला अलबेला है, वहाँ कोई झमेला नहीं है। कोई झमेला नहीं है ना, कोई झमेला। लेकिन झमेला तो पैदा कर रहे हैं ना, आप देखिए नीतीश कुमार जी उतार दिए हैं मनोरमा देवी को, प्रशांत किशोर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रशांत किशोर जी जो है उनको हम नहीं जानते हैं, बेचारे को नहीं जानते हैं। प्रशांत किशोर को नहीं जानते? नहीं, नहीं जानते हैं। 2015 में आप लोगों के लिए कैंपेनिंग किए थे, अगर ये बात कह देंगे कि मेरे लिए कैंपेनिंग किए हैं तो जाए लोकसभा से इस्तीफा दे दें। नहीं नहीं, आरजेडी जेडीयू दोनों की बात। अगर बेलागंज में वो कंपेनिंग किए होंगे या उसका गाड़ी हुआ होगा, प्रवचन हुआ, उसका कोई आदमी भी आ गया होगा एक आध बार, तो जाए लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं? नहीं। उम्मीदवार खड़ा किए हैं, एक उम्मीदवार खड़ा किए थे, नाम वापस लिया, फिर दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिए। ओ, अमजद भाई के आज टीवी में नाम देखे हैं जी, तो हमारे भाई हैं और उनको हम बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, और चुनाव अपनी जगह पर है, पारिवारिक संबंध हमारे साथ है। पारिवारिक संबंध आपके साथ है तो फायदा आप ही को मिलेगा, ये हम नहीं कहेंगे, ये तो जनता तय करे। लेकिन उस तरफ भी देखिए, आप तो खुद इतने सालों से यहाँ पर रहे सुरेंद्र बाबू, आपकी कमाई रही है, लेकिन उधर से भी नीतीश को कहते हैं लोग कि नीतीश का नेतृत्व है, बीजेपी का संगठन है, चिराग पासवान युवा है, जीतन राम मांझी का इफेक्ट है, कहाँ से जीतेगा आरजेडी? एक बात हमेशा याद रखिए, नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, उनके कैबिनेट में हम थे, समझे कि नहीं? और जो चिराग जी हैं तो हमारे जो अभिभावक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो रामविलास पासवान जी हमसे चिराग जी के एक बार बोधिया में सरबजीत बाबू जो मंत्री थे उनके यहाँ मिलवाए भी थे, और अभी लोकसभा में हम लोग साथ हैं, तो साथ हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग को बहुत आर पार के कोई लड़ाई है। ये राजनीतिक विचारधारा है, और राजनीति में लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं होता है, ये आपस में जो है चुनाव खत्म, विवाद खत्म। नहीं, लड़ाई चुनाव में तो है ना, चुनाव में तो अपने कैंडिडेट के लिए गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे ना? तो ऐसा है, वो मांगे हम एकदम विरोध भी नहीं करेंगे, हम स्वागत करेंगे। स्वागत कीजिएगा, मतलब क्योंकि वो मेरे घर में आ रहे हैं ना। अच्छा, मेरे घर में आ रहे हैं तो उनको स्वागत करेंगे। अच्छा, एक फाइनल कमेंट, कहीं कोई लड़ाई दिख रही है सुरेंद्र बाबू ईमानदारी से कुछ भी कि हाँ कोई कंपटीशन है, वोट बटेगा या कुछ होगा ऐसा? एक वो बात जान लीजिए, यादव जो जाति है और अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ये लालू प्रसाद जी का जीन था, अल्पसंख्यक है, ये लालू प्रसाद का जीन है,
और जिन जो है वो लालू यादव के मरते दम तक रहेगा। चलिए, तो जिन लालू यादव के मरते दम तक रहेगा ये कहना है सुरेंद्र यादव का, जीत का दावा ठोक दिया है। और सबसे बड़ी बात, किसी पे कोई राजनीतिक हमला नहीं किया है, कहा है नीतीश जी भी गार्जियन है, चिराग भी आएंगे प्रचार करने के लिए तो उनका भी स्वागत करेंगे क्योंकि घर हमारा ही है।